गोरखपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसा लगता है कि अब कोरोना का पीक समय समाप्त हो चुका है। आपको बता दें, जुलाई के बाद पहली बार गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अंडर 100 हो गई है। शनिवार को 72 मरीज मिले हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में 38 और ग्रामीण क्षेत्र में 25 मरीज तथा अन्य 9 मरीज शामिल हैं। अब तक जिले में 17,061 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 15,203 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 278 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी 1580 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जनपद में कुल 72 कोरोना मरीज पाए गए हैं। अब तक 17,061 मरीज कोरोना के मिले हैं, जिसमें 15,203 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1580 का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं 278 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर मरीज शहरी क्षेत्र के रहे हैं। अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण घट रहा है और लोगों में दहशत भी समाप्त हो रही है। शनिवार को शाहपुर क्षेत्र में 16, कैंट में 8, तिवारीपुर में 1, गोरखनाथ में 5, रामगढ़ताल में 2, कोतवाली में 3, गुलरिया में 3 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 25 मरीज मिले हैं, जिसमें बेलघाट, बहरामपुर, कैंपियरगंज और पिपराइच में 1-1 मरीज, जबकि चरगावा में 11, कौड़ीराम में 2, सरदारनगर में 3, खोराबार में 2 और उरवा में 3 मरीज पाए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के मरीजों की संख्या एक समय ऐसा था 400 से अधिक पहुंच गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जुलाई माह के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 100 से भी कम मिली है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। लोगों की सजगता और सतर्कता से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को यह सफलता मिलती दिख रही है।